हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड ब्लॉग। आज दो तरह का स्मूदी बनाना हम बता रहे हैं, तो चलिए बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। बनाना स्मूदी बनाने के लिए मैंने दो पका हुआ केला लिया है। एक मिक्सी के जार में हम केला को काटेंगे। इसको दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ ये स्मूदी बनता है। ये बहुत ही, इसमें ठंडा दूध का प्रयोग होता है, गर्म दूध नहीं डालना है। बहुत अच्छा रेसिपी है ये। इसमें हम डालेंगे चीनी, दो बनाना है, दो अगर आपके पास पका हुआ केला है तो उसमें 2.5 चम्मच चीनी डालें और 1 कप दूध डाल के मिलाएं। अब मिक्सी में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया स्मूदी बनाने के लिए। अब एक ग्लास लेंगे और इस ग्लास में बनाना को डाल के ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दें आप इसमें और इसे सर्व करें। इसके बाद हम आपको मैंगो स्मूदी बनाना बताते हैं। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए ये मैंने अपने पेड़ से टूटा हुआ आम लिए हैं। इसको फिर हम इसका छिलका छीलेंगे। मैंगो का छिलका उतार के हम इसे इस तरह इसके गुठली से निकाल लेंगे। ये पेड़ का पका हुआ आम है, काफी मीठा और स्वादिष्ट। कुछ स्लाइसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ऊपर से स्मूदी के ऊपर से देने के लिए। ये स्मूदी के ऊपर ग्लास में देने के लिए हम उसको छोटे पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। अब मिक्सी के जार में इसको डालेंगे। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें सभी आम के टुकड़ों को जो हमने काटा है उसको डालेंगे। और इसमें आप मिठास अपने हिसाब से लीजिए। मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और ठंडा दूध 1 कप। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब एक कप लेंगे, इसको सर्व करने के लिए एक ग्लास में इसको सर्व करेंगे। इस ग्लास में हम मैंगो स्मूदी को डालेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम और कटे हुए काजू और थोड़ा टुकड़ों में जो मैंने आम को काट के रखा है इसके ऊपर से उसे भी डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं ये दो तरह का स्मूदी रेडी हो गया है सर्व करने को। ये मैंगो स्मूदी और बनाना स्मूदी रेडी हो गया है। आप इसको बनाएं ज़रूर अपने घर में और सर्व करें मेहमानों के आने से। गर्मी के सीजन में अगर ठंडा दूध डाल के आइस डाल के आप स्मूदी बनाओगे तो सब बहुत पसंद करेंगे और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। तो आप इसे बनाइए ज़रूर और हमें बताइए कि आपको मेरा ये
छोटा सा प्रयास कैसा लगा? धन्यवाद।